आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर सभी राज्य प्रभावी भूमिका के साथ इस अभियान के साथ जुड़े हैं। आबादी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने प्रारंभ से ही ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट के फॉर्मूले को अंगीकार करते हुए एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक है। हमने जीरो से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। जब 2 मार्च 2020 को कोविड का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमें NIV पुणे भेजना पड़ा था। आज हमारे पास, कल हमने 3,56,000 टेस्ट किए थे, आज 3,47,000 टेस्ट किए हैं। यानी इस रूप में हम लोगों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया। पहला कोविड पेशेंट आया था, हमारे पास उपचार के लिए बेड्स नहीं थे, हमें दिल्ली भेजना पड़ा था सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हमारे पास 80,000 से अधिक ICU और आइसोलेशन के बेड्स हैं, जहां पे हम कोविड पेशेंट का उपचार सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विस्तार देने के साथ ही फर्स्ट फेज को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद सेकेंड फेज में हमारे सामने कुछ चैलेंज आए, जैसे अचानक ऑक्सीजन की मांग। हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने स्तर पर, SDRF से, अन्य यानी CSR से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक जनपद में व्यापक पैमाने पर ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो सके। और इसको लेकर के पूरी ताकत के साथ हर जनपद में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगने प्रारंभ भी हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में हर एक जनपद ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हर एक जनपद ने कोविड के फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी अपने तरीके से जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में अच्छा काम किया है और उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के आने वाले समय में, यानी 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में आशंका थी कि प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या 30,00,000 से अधिक होगी, आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रित है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एक्टिव केस गए थे वो 3,10,000 तक गए थे, आज उनकी संख्या घट करके मात्र 58,000 रह गई। प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को जो पॉजिटिव केस आए थे 38,000 से अधिक आए थे, आज घट करके पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3,200 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हमने पॉजिटिविटी कम की है और रिकवरी को 95% से अधिक बढ़ाया है। इसके लिए हम लोगों ने निगरानी और मोहल्ला समितियों को सक्रिय किया। निगरानी और मोहल्ला समिति गांव-गांव में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के घर घर स्क्रीनिंग का करने का काम, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का काम, अगले 24 घंटे के अंदर RRT की टीम उनका टेस्ट कर लेती है, इस लक्ष्य को लेकर के जब एक एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर चला, उसका परिणाम है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी न्यूनतम स्तर पर आई है। लगातार हमारी तैयारी इस दिशा से चल रही है। हमने इसी दौरान थर्ड वेव की भी तैयारी प्रारंभ की है। ये थर्ड वेव दो प्रकार से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। एक तो ये बच्चों के लिए जिससे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों की जिससे खतरनाक हो सकता है, और दूसरा जो ये आशंका दूसरा हमें यहाँ पर और भी अलर्ट रहना है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और तमाम अन्य बीमारियों की जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी काफ़ी संवेदनशील है।
यद्यपि कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस के लिए लड़ना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई यहाँ पर पिछले 4 वर्षों के दौरान लड़ी है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में 95% कमी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीकू बनाना पड़ा था, कुछ सीएससी में मिनी पीकू बनाने पड़े थे, हम लोगों को जेई वैक्सीनेशन का बृहद अभियान चलाना पड़ा था, प्रशिक्षण का एक बृहद अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, और आज हम लोगों ने फिर वही कार्यक्रम हमारा आगे चल रहा है। जो मैं आज कल मैं देवरिया और कुशीनगर में था, आज सिद्धार्थनगर और बस्ती में आया हूँ। बस्ती और संत कबीरनगर की एक साथ समीक्षा ली है, सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर की समीक्षा ली है। इसके पीछे का उद्देश्य ही यही है कि हम दोनों के लिए अभी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा लें। वर्तमान में कोरोना पोस्ट कोविड केयर के लिए कोरोना के बाद जो जिन लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें हैं, उनके लिए पोस्ट कोविड वार्ड बनाना, उनका उपचार निःशुल्क सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना, उनके परिजनों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कम्युनिटी किचन के माध्यम से करवाना, जहां इसको इसकी समीक्षा लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं, वहीं अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी मजबूती के साथ की जा रही है। हम लोग थर्ड वेव के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अब तक आगे बढ़ाया है। 1 जून से हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष की उम्र के लोगों को, उन सभी युवाओं को वैक्सीन देने जा रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाया जा सके, इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से बूथ बन सके, जहां उनका निवास स्थल है उसके आसपास कहीं बन सके, इसको प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग से बूथ बने, उनके और उनके परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने का प्रयास हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह भारत के 135 करोड़ लोगों को बचाने का अभियान है। हम लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन इस देश को समय पे दिए हैं, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ 1 साल से पहले वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी, आपने देखा होगा, डेंगू के खिलाफ अब तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। अन्य जो बीमारियां उनके खिलाफ, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के का कोई अब तक वैक्सीन नहीं आ पाया, लेकिन नेतृत्व लीडरशिप जब काम करती तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और भारत अकेला देश है जिसने 2-2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की। यह वैक्सीन प्रमुखता के आधार पर हम लोग हर जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि गाँव के कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाए, और कॉमन सर्विस सेंटर में ही गांव के लोगों का, जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको वैक्सीन उपलब्ध करवा दें। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा, जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग या 1 से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर अपना जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। दूसरा, टेस्ट से लोग भागे ना, गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, हर व्यक्ति टेस्ट अपना जरूर कराए। ये टेस्ट उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए
उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की सराहना भी की, इसलिए हमें टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। और तीसरा, वैक्सीन से भी हम भागे ना, हमारी पारी जब आएगी हम वैक्सीन अवश्य लगाएंगे, क्योंकि यह वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच होगा। हम लोग इसको अगर जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक कर सकेंगे, इस महामारी के खिलाफ ये जागरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा होगा। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।